नमस्कार, जय उत्तराखंड। हमारी मांगे यहाँ पर बड़ी ही, अब अगर आप आपने ध्यान दिया होगा मांगों में, मांगे ऐसी हैं जो 25 सालों से ये मांगे लटकी हुई हैं। 25 सालों से ये जो ये नरसंहारी, जिन्होंने नरसंहार किया था, वो 25 सालों से खुले घूम रहे हैं। एक भी व्यक्ति को सजा नहीं है, सीबीआई कोर्ट से दोषी करार हो चुके हैं, लेकिन एक भी बंदे को एक भी दिन के लिए सजा नहीं मिली है। जिसमें मुलायम सिंह यादव जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष थे, आज तो बाहर निकाल दिए उन लोगों को, और एके सिंह है, एक बुआ सिंह है, एके सिंह जो है, एके सिंह और बुआ सिंह, ये तीनों के तीनों दोषी करार हुए थे सीबीआई कोर्ट से। तो जब आगे के लिए इन्होंने जब आगे ऊपर सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने जब पिटीशन डाली बचने के लिए, तो हमारे उस टाइम के जो उत्तराखंडी जो समाज था, एक्चुअली क्या था, हम लोगों के जो समाज के आंदोलनकारी थे उस टाइम पर, आंदोलन के चक्कर में ही अपना अपनी नौकरियाँ, पैसा, बहुत टाइम और अपनी सब कुछ खो चुके थे, क्योंकि काफ़ी लंबा संघर्ष चला था। तो उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो आगे जाके वो एक अधिवक्ता कर सके, तो वहाँ से वो केस खारिज हुआ। खारिज के बाद वो बरी हो गई और इस केस में एक दिन भी किसी न्याय मिले, और हमें उम्मीद है पूरे मोदी जी से कि वो इस बार सरकार में आए तो हमें जरूर न्याय दिलाएंगे और उनको शांति प्रदान करेंगे। जल्द मोदी सरकार को ये बात पहले जाए, जिस चीज़ का हम 25 साल से इंतजार कर रहे हैं वो जल्द से जल्द पूरी हो। जो हमारे उत्तराखंड के बड़े लेवल के आईपीएस अधिकारी हैं, अभी सेंटर में बैठे हैं, मुझे उसका 2 महीने में एसआईटी की जाँच चाहिए मुझे, और इसमें हमें इंसाफ मिलना चाहिए। और न्याय का इस टाइम सही टाइम भी है कि जितना भी युवा सारा जुड़ रहा है और एक नई मांग उठ रही है कि शहीदों के जो बलिदान वो बेकार नहीं जाएगा। जलियांवाला बाग कांड से भी बड़ा कांड यह कहा गया और 47 लोग हमारे शहीद हुए, तो हम लोग भी यहाँ की संस्थाएं सबसे मिलकर वो कोर्ट में लड़ेंगे, हम मैदानों में धरातल आकर लड़ेंगे। ये तो मैं भी नहीं बता सकता कि क्यों नहीं, लेकिन हाँ, हम उसके पे मांग करके जरूर ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि क्या हुआ। हम एक ही मांग करते हैं कि जो 25 साल पहले जो नरसंहार हुए थे हमारे उत्तराखंडी भाई बहनों के साथ, जो हमारी बहनों का जो अत्याचार हुआ था, उनकी सजा जो बैठी वो सरकार है, जिनको अभी तक नहीं मिली है, वो मिलनी चाहिए। इसीलिए हम सुबह से यहाँ पे धरने में बैठे हैं कि उत्तराखंड की महिला एक होकर अपनी बात को उठाती है कि हमें न्याय दो। मगर आज हमें अगर उम्मीद है तो हमें अपने युवाओं से उम्मीद है, जो यूकेडी टीम ने आज मुद्दा उठाया है और पूरे जोश से पूरे वही जुनून डाला है। हुआ था मुजफ्फरनगर में और हमारे उत्तराखंडी लोगों के साथ, माताओं बहनों के साथ, उन आंदोलनकारियों को इंसाफ मिलना चाहिए। तो हमारी सरकार से है कि एक जाँच आयोग का गठन हो, चाहे एसआईटी के रूप में हो या किसी दूसरे जाँच आयोग के।